हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने शिक्षा वृत्ति से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, लेकिन एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि एक भाई ने मेरे पास भी भेजा है और ये कहा है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में काम करती हुई कोई भी रेगुलर डिग्री की है तो उनकी जो नियुक्ति है उसे मान्य नहीं किया जाएगा, यानी कि उनकी जो नियुक्ति है उसे रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि ये लेटर आप देख ही रहे हैं दोस्तों, और ये मुझे एक भाई ने भेजा है। ऑफिशियली वेबसाइट पर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, अभी मैंने देखा तो उस पर मुझे दिखा नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो बात कही गई है हम उसका विश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जैसे अंडरलाइन किया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान पर उपाधि अर्जित की गई है, तो ये एक ही शैक्षणिक सत्र उपाधि अर्जित की गई है तो वो अमान्य कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट को समझना, यदि आप गेस्ट टीचर के रूप में एक जगह उपस्थित हो और दूसरी जगह आप क्लास भी अटेंड कर रहे हो नियमित रूप से यानी कि रेगुलर, तो ये कैसे पॉसिबल है? मीन्स सब ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक है कि एक ही व्यक्ति एक ही दिन, और जबकि उसके जो स्कूल जिसमें वो पढ़ाने जा रहा है और दूसरी जगह वो अध्यापन कार्य में भाग ले रहा है यानी कि अपना कोर्स पूरा कर रहा है नियमित, तो वो कैसे उपस्थित हो सकता है? इसलिए एक नियम बनाया गया था कि आप अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हो तो कहीं भी नियमित रूप से जो आप पढ़ाई करने जा रहे हो वो कैसे संभव है दोस्तों? इसे लेकर मैं बहुत पहले एक वीडियो ला चुका हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वीडियो था मेरा शिक्षक भर्ती बहुत से आवेदक हुए बाहर, शिक्षक भर्ती या दो सर्टिफिकेट के साथ, और ये मेरा वीडियो था दोस्तों करीबन एक वर्ष पहले का है जब वर्ग दो की जो नोटिफिकेशन जो था वो जारी होना था, वर्ग एक का हो चुका था, वर्ग दो का जारी होना था, तो उस टाइम पर मैं ये नियम आपके सामने लेकर आया था कि आपने यदि अतिथि शिक्षक के रूप में कहीं भी काम किया है और उसी समय पर यदि आपने कोई भी नियमित क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपका शिक्षक भर्ती में आवेदन भार हो सकते हैं, आप आवेदक भार हो सकते हैं, और इस पे भी बहुत से लोगों ने विरोध दर्ज कराया था और बहुत से लोगों का ये आया कि सर आप ये नियम कैसे बना, जबकि ये नियम बहुत पुराना है, अभी का नहीं है दोस्तों, कि कोई ऐसा है कि नया नियम आ गया है, ये नियम बहुत पहले थे। और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग दो का नोटिफिकेशन, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और वर्ग एक का पहले हो चुका था, क्योंकि वर्ग एक में ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर नियमित शिक्षक में हमने जो है अतिथि शिक्षक में काम किया है और फिर हम कोई डिग्री भी हम कर रहे हैं जो कि रेगुलर, तो वो क्या मान हो जाएगी? तो उसे लेकर मैं यहाँ पर आया था, चूंकि आप लोगों ने ही काफ़ी इसका वीडियो का एक तरह से कहें कि विरोध किया था कि सर ऐसा नहीं है, तो फिर मैंने आगे इस पर, लेकिन हाँ ये है कि जो नियम था वो नियम था दोस्तों, और वही नियम मैं आपके सामने लेकर आया था, और इसमें भी यदि आप देखेंगे तो वही नियम दोहराया गया है कि एक जो अतिथि शिक्षक का कार्य कर रहा है और नियमित रूप से कहीं और भी पढ़ाई कर रहा है तो वो एक तो पॉसिबल कैसे है, और यदि पॉसिबल हो गए तो उसका एक नियम था कि आप रेगुलर दो जगह नहीं कर सकते कुछ भी, जैसे कि बहुत से लोग ये हैं कि हम बीएड भी रेगुलर कर रहे हैं, हम एमए भी रेगुलर कर रहे हैं, जबकि टीसी आपकी एक जगह लग जाती है दोस्तों, तो आप ये मान के चलें कि वो टीसी का मतलब ही यही होता है कि एक जगह आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों। तो ये जो भी आदेश है, और भी जैसे ही पोर्टल पे आ जाएगा तो और अच्छे से विश्लेषण कर दूंगा, तो ये आदेश है इसमें कुछ ऐसा नया नहीं कहा गया है जहाँ पर जो मैं पहले नहीं बताया है, आप मेरा ये वीडियो जाकर देख लें जो वर्ग दो के नोटिफिकेशन से पहले मैंने बनाया था, वर्ग एक के नोटिफिकेशन के बाद मैंने बनाया था, और करीबन एक वर्ष पुराना वीडियो है, तो इसे आप यदि देखेंगे तो इसमें भी मैंने उदाहरण सहित क्लियर किया हुआ है कि ये कौन सा नियम था। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया बताया गया है और वो मैं आपके सामने फिर से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि कहा यही जाता है जो कि नियम अनुसार, क्योंकि नियम जो होते हैं वो ऊपर से बनते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, डीपीआई बनाती है, उन हिसाब से ही आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो दो जगह उपस्थित होना एक ठीक नहीं है कि आपने एक अतिथि शिक्षक के रूप में भी काम किया है फिर दूसरी जगह रेगुलर भी आप जो है कोई कोर्सेस कर रहे हैं, या फिर दो जगह आप रेगुलर कोर्सेस कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल भी नहीं है और उस हिसाब से वो मान्य भी नहीं है। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं,
और एक सूचना मात्र था दोस्तों, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे आ रहे थे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।